लगातार जिस तरह से परेशानियां बढ़ी हुई हैं, प्रशासन की टीमें भी लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में जुटी हैं। बढ़ते आगे फिरोजाबाद से बड़ी खबर, भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी, अंडरपास में फंसी स्कूली बस। अंडरपास में पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो फिरोजाबाद में भी लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। अंडरपास में पानी भर गया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अंडरपास में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, कि स्कूली बस भी पानी के बीचों बीच फंस गई है। अंडरपास में कई गाड़ियां फंसी हैं, तो भारी बारिश की वजह से फिरोजाबाद के लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। फिरोजाबाद में अंडरपास में पानी भर जाने से कई गाड़ियां पानी में ही फंस गई हैं, एक स्कूली बस भी पानी में फंस गई है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता दीपक हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार भारी बारिश की वजह से फिरोजाबाद के लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जैसा कि कल से सुबह से ही बारिश हो रही है और रुक रुक करके बारिश हो रही है और पूरी रात आज हो गई बारिश में, तो थोड़ा सा कहीं कहीं जल जो भरा हुआ है वो बहुत अलग साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस जगह ये जो बस फंसी हुई है स्कूल में, एक ये रेलवे का अंडर पास है जहाँ पर अक्सर यह हर बस ये समस्या रहती है, क्योंकि जब ये अंडरपास बनाया गया था वो थोड़ा सा मानक विपरीत दिखाई दिया, जिसके चलते यहाँ पे हर वर्ष ही बारिश बनी रहती है। बाकी का शहर में जो जल भराव है थोड़ा बहुत कहीं पर रहता है, लेकिन अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है तो स्वाभाविक है कि 24 घंटे से अधिक हो गए हल्की बारिश रुक रही है, थम रही है, हो रही है, थम रही है, तो जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है इन लोगों के उस पर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए दीपक।